आप सभी को मेरा पहला नमस्कार और छोटू को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सुबह के 7 बजे हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। और ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। और हम जा रहे हैं यहाँ पर मंदिर, अभी आज हमारी क्लास 11 बजे के बाद लगने वाली है, और इसलिए सर ने बोला है कि सुबह मंदिर जाके आना। यहाँ नज़दीक में ही है एक मंदिर शिव जी का, कालची में, वहीं जा रहे हैं हम। और वहाँ जाके मैं आपको भी करवाऊँगी शिव जी के दर्शन। और यहाँ पर एक किताब तैयार होके देख लो, इसको कितना टेंशन हो रहा है, किताब पढ़ाई कर रही है अभी भी तैयार होने के बाद भी, क्योंकि पेपर होने वाले हैं तो लास्ट में ऑनलाइन पेपर होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। देखिए जान के तैयार हो चुकी है, आज कितनी सुंदर लग रही है ये देखिए। हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज ना मैं शिवरात्रि के लिए तैयार हुई हूँ, तो आज मैंने साड़ी पहन रखी है। हम लोग ना मंदिर जा रहे हैं, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ना कमेंट करके बताना। अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर। चलो जी चलो, ये गीता भी, गीता ने भी साड़ी पहन रखी है। हाँ कोई बात नहीं, तोड़ लो ये देखो फूल बहुत सारे। हाँ तोड़ो, मंदिर में चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, भगवान जी को चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम कम तोड़ना, पांच-पांच फूल तोड़ते हैं। हाँ बहुत है, अलग अलग जगह से तोड़ो, एक ही जगह से मत तोड़ो ना। हाँ हम जाने लगे सभी मंदिर के लिए। ये देखिए सब तैयार हो चुके हैं। जय भोलेनाथ। Thank you.
से बाहर आ चुके हैं, अभी छुट्टी हो गई है हमारी। ये देखिए आज शिवरात्रि है, तो हमारे आंटी जी, गीता दीदी और एक और है हमारे साथ देवी दीदी, एक नई मिल गई है ना, नहीं तो ये शक्लें मतलब बहुत देखने को मिली हैं आपको, एक नई मिल गई है। तो हम लोग ना अभी मंदिर जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा भजन कर लेंगे और दिखाएंगे मंदिर में हम आपको ना क्या क्या करने हैं। आज शिवरात्रि है तो इसलिए सब मंदिर ही जा रहे हैं। चलो ले चलो हो के पवन आ।
Oh,